हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और मैं सर्वेश कुमार, यूट्यूब चैनल सर्वेश ब्लॉग से मैं अब पहला नहीं तो दूसरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता था। अभी नया नया मैं यूट्यूब से जुड़ा हूँ और आप सब लोगों का प्यार चाहिए। आप लोगों की मोहब्बत के ही भरोसे हमने यूट्यूब चैनल ओपन किया है। उम्मीद करता हूँ प्यार देंगे। अच्छा, तो अभी तो मैं सऊदीया में हूँ, रहने वाला इंडिया का हूँ और कानपुर से हूँ। तो आप लोगों से मिलने का अवसर मिला, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपना भी एक वीडियो बना कर डाल देते हैं। वैसे वीडियो तो हमने दो चार वीडियो और भी अपलोड किए हैं थोड़ा अपने काम के विषय में, और अपना ही वीडियो बनाएंगे, कोई पर्सनल ब्लॉग ही बनाएंगे, किसी दूसरे का कोई नकल टेप नहीं करना है। और अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ थोड़ा काम पे, और वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो आप लोग बताएं कैसा है वीडियो, और रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी भाई बहनों से और मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो, और हमारा भी चैनल थोड़ा मेहनत तो कर ही रहे हैं, थोड़ा आपकी भी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और ईश्वर से कामना भी करेंगे आप लोगों के लिए अच्छे से रहें। और आप लोग भी अपने दुआओं में प्रार्थनाओं में मुझे भी याद करें। तो अभी मैं जा रहा था पानी बंद करने, पेड़ों में पानी चालू है, तो वही जा रहा था। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते शायद रात हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखो पहुँच रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा। अभी सऊदी में आए हुए मेरे को 7 महीना हो गया है, 7 महीना हो गया। और क्या बताएं अपने बारे में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बताता रहूँगा, जो भी जैसा होगा जानकारी मैं आप लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों अभी तो हो रहा है नाइट, इंडिया में तो रात हो गई होगी। इंडिया में भी समय 8-9 8:30 का टाइम हुआ होगा, लेकिन इधर अभी नहीं, अभी इधर 6 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं, यानी 20 मिनट बाकी हैं। तो लोग जो कहते हैं सऊदी में जाते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इधर भी भाई इंडिया की तरह सब सिस्टम इधर भी है, और सब लोगों को इधर भी प्यार मिलता है, अच्छे से देखभाल भी रखते हैं, ऐसा नहीं कि अजनबी आदमी को कोई सताता हो। तो चलो हम लोग पहुँचते हैं, अभी कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा शायद, पास में ही दिख रहा है। और देखें इधर कहीं दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं दिखता है, कहीं भी कोई भी दूर दूर, बस कहीं एक दो एक आध जैसे अपने इधर का फार्म हाउस होता है, बोलते हैं इधर बाहर घूमने लोग जाते हैं फार्म हाउस के लिए, तो ऐसे ही बना कर रखे हैं इधर से एक लोग, अपनी ज़मीन खरीद के पेड़ पौधा लगा दिए, उधर एक आधा मिल रख दिया देख रेख के लिए। अमिल का मतलब यही है कि कोई वर्कर, इंडियन, बांग्लादेश या पाकिस्तानी,
श्रीलंका ऐसे दूर दूर से लोग आते हैं, क्या करें भैया। इंडिया में बेरोजगारी छाई हुई है, भागना पड़ता है परदेश, शौक में कोई नहीं आता है, लेकिन मजबूरी में आना पड़ता है। तो फिलहाल अभी हम पहुंच गए हैं, और देखो पानी अभी चल रहा है, अभी फुल नहीं हुआ है। हाँ, तारा खोल देते हैं। मोबाइल को रखना पड़ेगा, तो मैं इसको डाल देता हूँ थोड़ा। ये तारा मेरा खुला और ये अंदर जा रहे हैं, और दिखा दूं कि ये पेड़ लगे हैं। शायद अभी समझ में नहीं आ रहा है, नाइट हो गया है, पेड़ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। टाइम मिलेगा या समय मिलेगा ना, तो अगले वीडियो में इसका पूरा कितने पेड़ लगे हैं सारा पेड़ दिखाऊंगा। और ये सारे पेड़ जैतून का है। चलो ठीक है दोस्तों, मेरा टाइम भी वेस्ट आप लोगों का कर रहा हूँ, इसलिए अभी वीडियो को बंद करते हैं। मिलेंगे अगले कभी वीडियो में। ओके, थैंक यू। आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें।